स्वागत है और सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और क्या है विषय आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? सबसे नमस्कार, मैं कलाकांत अथणीकर, तू सुखकर्ता चैनल और साप्ताहिक इसका संपादक हूँ और मेरी एनजीओ है सुखकर्ता करके। मैं आज इस विषय में बात करना चाहता हूँ कि इस हमारे एरिया के आमदार पराग अवनी, इनके हाथ में पूरी बीएमसी, पुलिस स्टेशंस, जो सार्वजनिक संस्था, हॉस्पिटल, दिन बिन, इनके सब पूरे हाथ में है और जो चाहे वो करते हैं, मनमानी कारोबार इनके थ्रू करवा के लेते हैं और प्रचंड प्रमाण में, असंख्य प्रमाण में भ्रष्टाचार करते हैं, प्रचंड प्रमाण से पब्लिक को हैरान करते हैं, औरतों को हैरान करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। अब इनके कार्यकर्ता है जो मिलिंद शिंदे और जो विनीत गोरे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके थ्रू औरतों के बीजेपी कार्यकर्ताओं के लेडीज़ के मर्दों को बुला बुला के अगर बराबर नहीं काम करते इसलिए मारते हैं। ऐसा ही पूरा हिस्ट्री पूरा है, पूरे 2 साल से चल रहा है, लेकिन पुले पाले पुलिस स्टेशन इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करी। वो आदमी इसने इतना मारा है लोगों ने बीजेपी ऑफिस में बुला के, और वो पॉइजन पिया तो डर के मारे उनका जो महिता कायना होते हैं, जो महिता जो वेस्ट नगर सेवक है महिता, उनके हॉस्पिटल में लेके डीन को मैनेज करके, कुपर के डीन को मैनेज करके, जबकि वो मरने वाला था तो कुपर के डीन को मैनेज करके इधर उनको बुला के लिया महिता के हॉस्पिटल में, महिता ने मैनेज किया और ये सब मैनेज करके प्रकरण रोका गया है। हम इस बात का धिक्कार करते हैं, परागणी का धिक्कार करते हैं। और देखो हर जगह पे बिल्डर को मदद हो, अथर्व नाम का बिल्डर है, 20-20, 25-25 उसका साइड चल रहा है, चले साइड, लेकिन जो कल जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके अंदर उसके ध्यान नहीं है। बीएमसी आँख बंद करके बैठी है, पुलिस आँख बंद करके बैठी है, संबंधित जो भी अधिकारी है, जो उनको ताल्लुक रखता है, पानी वाले सब बंद आँख बंद कर, कमिश्नर तक आँख बंद करके बैठा है। तो ये क्या चल रहा है बाबा, क्या भ्रष्टाचार चल रहा है? अभी 200 झाड़ गए, 4 महीने में 200 झाड़ काटे गए। परागवणी सोया है क्या? परागवणी करता है क्या काम धंधा? ये सही चल रहा है? एक झाड़ काटने पे वध मनुष्य वध का गुनाह है, मनुष्य वध। ये बीएमसी का ऑफिसर धनवड़े है, वो उसका घर पे जाके पानी पीता है। अभी जो राजेंद्र काणे करके है, उन्होंने झाड़ काटने का मैं कंप्लेंट उस दिन करने गया था, धनौड़ी उनको सबको पुलिस लेके गई थी, जबकि पुलिस उसके पे केस लेने वाली थी। उधर से राजेंद्र काणे करके आए ऑफिसर, प्राइम पीआई है, नाइट पीआई हो सकते हैं, उन्होंने मुझे बोला कलाकांत अथणीकर तो कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। बोला क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं, झाड़ काटने मूल से झाड़ काटा गया है टाइट से, और रात बिरात ये लोग क्या करते हैं, 2-2 बजे ये धनौड़े क्यों आया है इसके पे, इसका इसको पूछो आपके पास परमिशन नहीं, वो नहीं पूछा, जा उसको मुझे दम देके उसको उन्होंने बोला जाओ तुम तुम्हारा काम करो कुंदास रहो, और उल्टा मुझे उनको पूछ रहे हैं कि इसकी कंप्लेंट करनी है कि आपको। अरे मेरी कंप्लेंट? सर मैं कंप्लेंट करने आया, झाड़ का पर कंप्लेंट क्या आया, मैं का गुनहगार हूँ? हाँ ये क्या लगाएगा क्या? उधर डीन का लफड़ा, इधर पुलिस स्टेशन का लफड़ा, इधर वार्ड ऑफिसर हमारे सुनता नहीं, बिल्डर से लेके झाड़ काटने से लेके और कुछ। देखो ये हॉस्पिटल है, शिरोडकर हॉस्पिटल बंद करके रखा है, क्यों बंद करके रखा है? चालू करो ना बाबा, क्यों नहीं चालू कर रहे इसको? क्या मतलब है आपका, किसी प्राइवेट को देना है क्या, नोट कमाना है क्या? हाँ कितना करोड़ों का नोट कमाना है क्या? करे करोड़ों का व्यवसाय भाई, करोड़ों का भ्रष्टाचार करे, करोड़ों का भ्रष्टाचार करे। उसके साथ में वड़ंजू, उसके साथ में इसके पहले ये था अपना सकपाय था, अभी ये को सस्पेंड हो गया सतीश पवार, वो भी उसके साथ में सब रहते थे, वो जो बोले उतना ही करने का काम, वो सब मैं पाकिट विकेट सब आने का 50 लाख रुपये उधर से लिया, उसमें सस्पेंड हो गया। ऐसी हर जगह पे इसका हक बता देगा इसका। अभी बीच में पार्लियामेंट ये बाल मोस्ट हो गया, वो बीजेपी के कार्यकर्ता ने किया तो उसको भी डांट रहा है, इसको क्यों बुलाया उसको? अरे करने देना, वो बीजेपी का आदमी, उसको करने देना, कर नहीं उसको नहीं बुलाने का। ये मक्तेदारी इसकी ऐसी चल रही है हर जगह पे, अपनी दादागिरी आपकी ठोस गिरी। ये जो 2-4 कार्यकर्ते इनके, विनीत गोरे, मिलिंद शिंदे, कपूर, अंबेकर, ये सब अपने अपने हिसाब से भाईगिरी करते हैं, अपने हिसाब से तोड़पानी करते हैं, करो बाबा। लेकिन ये अभी संडास देखो, पीछे जो संडास बांधा है अंबेवाड़ी में, वो नीचे से खोद के बांधना है, ऊपर ऊपर बांध के हो गया। और माड़ा का भी उधर से ऑफिसर को हमने कंप्लेंट किया, आरोप किया ही रहा, तो उसका कोई जवाब नहीं दे रहे, बीएमसी नहीं जवाब दे रहे, पुलिस स्टेशन नहीं जवाब दे रहे, कोई जॉब नहीं दे रहे। इसका मतलब पूरा के पूरा दादागिरी, पूरा के पूरा भ्रष्टाचार, हम करें सो कायदा, ऐसा सब इसका काम कर। अभी लोग पार्लियामेंट हो, दूसरी बार पार्लियामेंट हो रहा है, क्यों बाबा? एक बार हो गया ना अगस्त में,
दूसरी बार वापस क्यों हैरान करें बाबू जी को? वो मैदान कब्जा करके बैठे सब जन, तुम्हारे पिताजी का मैदान है क्या वो? अरे बच्चे लोग को खेलने दो ना बाबा, उनको कोई पूछने वाला नहीं, बच्चे लोग कोई वाली नहीं है इधर का, एक ही तो मैदान है, खेलने दो। और ऊपर स्टेडियम स्टेडियम लगाए बैठे, स्टेडियम लकड़े का, काहे की स्टेडियम बाबा, काहे के लिए? ये भ्रष्टाचार पब्लिक, ये सब पैसा इनका नहीं है, ये धंधा इनका वसूली करने का, ये छोटा मोटा कार्यक्रम करके बताने का, करोड़ों रुपया वसूल करते पार्ले कल्चरल सेंटर के नाम से, करोड़ों रुपया वसूल करते और बताते कुछ नहीं है। ये पार्ले कल्चरल सेंटर लीगली नहीं है ना, क्या बोलते हैं, शैरिटी कमिश्नर में ऑफिशियल नहीं है, गए 23 साल से ऐसे ही करके पैसा कमा रहे हैं, ये पब्लिक गणपति के नाम से कमाते हैं, वैसे ही लोग जाएंगे। और ये एक दो रुपया नहीं, अभी आपको समझो मेहमान करके बुलाया तो आपको वो स्टेज पे बुलाया तो आपको स्टेज पे जाना है तो एक 25,000 रुपये खर्चा करो, मैं आपको स्टेज पे लेगा, ऐसा सब प्रकार का भ्रष्टाचार करते हैं। तो ये भ्रष्टाचार, और भाई औरत के नाम से तो इसका नाम ही खराब है, एयरहोस्टेस भाड़े से लगाता है ऐसा हमने सुना है। एयरहोस्टेस पाल खेर का हमारे मित्र है आकाश शिंदे, उन्होंने और उनके दो चार कार्यकर्ताओं ने देख लिया, परागवान ने हाथ में डाल के जा रहे, क्या बाबा ये नहीं है चलेगा ऐसा, जब ये सब चीज़ नहीं आपको जो करना है देखिए। उसके बाद में अभी झाड़ काटा की बात हुई, हमारे मित्र थे आकाश शिंदे, उनको वो ऑफिसर ने जो बीजेपी का अपना बीएमसी का ऑफिसर ने फावड़ा लेके मारने को आया, हमारे हमारे को अड़ाता क्यों करके, अरे परमिशन मांगा तो क्या गलत किया हमने, पावर अपना इसका तुम्हारा का झाड़ काटने का परमिशन बताओ बताओ, तो नहीं फावड़ा लेके मारे कामगार कोई भी तो लेके, सब बांग्लादेशी थे, हमने पूछा तुम किधर के हो तो मोमेडियन में बात करने, सब बांग्लादेशी कार्यकर्ते, और इनको बचा रहे कारणी, इनको बचा रहे राजेंद्र काणे, हमको बता रहे हैं तुमको परमिशन नहीं है ऐसा सब रोकने के, हम रोका नहीं है, हम परमिशन पूछा आपका, हमका तुमको हम तुमको परमिशन पूछा नहीं है उनके पास, तो हम कंप्लेंट करके पुलिस स्टेशन लेके आए, पुलिस स्टेशन कार्रवाई चालू किया, उनको दम दिया, नहीं तुमको परमिशन नहीं है ये, अगर अगर तुम्हारा लाइसेंस नहीं है तो तुम कहाँ गाड़ी चलाते हो, ऐसा उन्होंने बताया, अगर तुम्हारे परमिशन नहीं तुम झाड़ नहीं काट सकते हो, तो राजेंद्र काणे मुझे आके बता रहे तुम कंप्लेंट नहीं कर सकते हो, बोला क्यों नहीं कर सकते कंप्लेंट क्यों ना, और उनको बता जाओ तुम तुम्हारा काम करो, और उनको पूछ रहे इनके खिलाफ कंप्लेंट करने का, मतलब ये क्या मैनेजमेंट है? हाँ तुम करे जो कायदा है, हाँ हमको अंदर करेगा उसको बाहर करेगा जो करने देगा, हम उनके खिलाफ भी काम करेंगे, जितेंद्र परदेशी का है वो 7 साल से उधर बैठे उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करें, ये सब चीज के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं, हम आरटीआई डाल के हम कंप्लेंट करके हम मोर्चा लगा के हम काला झंडा बता के हम कार्रवाई पराग अवनी के खिलाफ उसके टीम के खिलाफ उसके भ्रष्टाचारी टीम के खिलाफ उसके गवर्नमेंट जो सर्वेंट है उनके सबके खिलाफ हम कार्रवाई करने बोलने वाले हैं। हम अपना अभी अपना ध्यान इस पर ही रखने वाले हैं कि जहाँ तक हो सके बीजेपी का नहीं इंडिपेंडेंट आमदार ही है पराग अवनी, उसके ही घर की नगर सेविका ज्योति अवनी, उसके घर के सब कार्यकर्ते सब ऐसे ही सब लगेला है, ये सब पे किधर न किधर बीजेपी ने सोचना चाहिए, आशीष शर्मा जी ने सोचना चाहिए, संबंधित अधिकारी ने सोचना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के इधर इधर ये लगना चाहिए, इंक्वायरी लगना चाहिए और इसके पे कार्रवाई करना चाहिए। प्रचंड प्रमाण का भ्रष्टाचार है, ईडी इधर लगनी चाहिए, ईडी इस पर लगनी चाहिए, सीआईडी इस पर लगना चाहिए, ऐसा काम कर रहा है ये। मैं अभी कुछ चीज़ आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं मीडिया के सामने इसलिए अगर चीज़ बताऊँगा ना तो इनका मुँह निकालने का बाहर मुश्किल हो जाएगा। कितने औरतों के पीछे फालतूगिरी करके हैरान कर रहे हैं, झोपड़पट्टी के इसके उसके सब जगह पीछे लग रहे हैं, क्या मतलब बाबा क्यों हैरान कर रहे हैं पब्लिक को? पब्लिक को हैरान कर रहा है ना, किधर का पानी काट के बता रहा है, किधर का और कुछ करके बता रहा है, मतलब मुझे पूछो मेरे पास आओ और मैं जो करूँगा वही पाएंगे, ये सब उसका कर चल रहा है, ये सब हम अभी इसको चलने नहीं देंगे, हम आपको फाइनल बताते हैं, हम इसके पे कार्रवाई करने बोलेंगे, हम अंदर डालेंगे तो भी चलेगा, हमको हमारा मर्डर हो गया तो भी चलेगा, लेकिन ये आदमी है ऐसा हमारे सामने, मेरे पास पुरावा है इसने मर्डर भी किया है, मेरे पास पुरावा है, अगर पब्लिक अगर चाहे गवर्नमेंट अगर चाहती है कि इसके पे न्याय होए तो मेरे पास है, मैं पुरावा बताता हूँ, अगर नहीं चाहती है तो मुझे कुछ लेन देन नहीं है, वो जाने उसका काम जाने, वो कितने मर्डर करे उसके पास, वो कितने लेडीज को हैरान करे उसके पास और जो कुछ, लेकिन हम इसके पीछे पड़ेंगे, हमारा फर्ज बनता है देश हित के नाते, पार्ले हित के नाते, सामाजिक हित के नाते, इसके जो भी गलत काम है हम उसके ऊपर उतरेंगे। चलो ओके विश्व, थैंक यू सो मच, थैंक यू।